हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। मैं आपका मित्र एलएस बैक आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल बाबू लर्निंग स्टेशन पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं इंग्लिश का, जैसे कि आप जानते हैं नरेशन या फिर स्पीच के लिए। अगर हम बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। कम से कम अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन जैसे कि मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो चलिए आज हम आपको डिटेल्स में बताने की प्रयास करेंगे एक सिस्टमेटिक वे से, जैसे कि सारे के सारे चीज़ आपको समझ आ जाए। पर उसी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नरेशन का क्या मतलब है, या फिर हम जिसे स्पीच भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नरेशन या तो स्पीच। नरेशन का मतलब होता है कथन, स्पीच का मतलब भी कथन है, और दोनों का सिनोनिम से नरेशन एंड स्पीच, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया नरेशन का मतलब क्या है, कथन ही, यानी कि आप जो भी बात करते हैं वही कथन कहलाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप कुछ कहते हैं, वही बात को मैं सुनता हूँ और किसी और को बताता हूँ, यानी कि आप जैसा कहा उसी को एग्जैक्टली कॉपी करके अगर मैं किसी और को बता रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आपने जो बात कहा उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अगर मैं और किसी और को बता रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच है। सिर्फ इतनी सी बात हमें समझना है। फॉर एग्जांपल चलिए एक सेंटेंस की मदद से समझते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, क्या है, मेरा कोई दोस्त है, मान लो उसका नाम श्याम है, क्या है, श्याम है, ठीक है। तो उसने कहा, क्या कहा, कि मैं यस्टरडे मंदिर गया था या फिर टेम्पल गया था, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त क्या है, श्याम है, उसने कहा, क्या कहा, श्याम सेड आई वेंट टू पुरी, आई वेंट टू पुरी यस्टरडे, YESTRDA, ठीक है। ये हो गया एक सेंटेंस से दिखिए जो कि डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। श्याम सेड आई वेंट टू पुरी यस्टरडे, यानी कि श्याम जो भी कहा एग्जैक्टली मैं वही चीज़ को कॉपी किया और मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने वहाँ पर, श्याम जो कुछ भी कहा एग्जैक्टली उसी का सेंटेंस को बिना कोई चेंजेस किए मैंने कॉपी किया और एग्जैक्टली आपको सुना रहा हूँ अभी। तो ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार की डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग फ्रेज कहते हैं। और वहाँ पर जो भाग है उसको रिपोर्टिंग भाग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग भाग। याद रखिए ये वाला जो फ्रेज होगा उसको हम रिपोर्टिंग फ्रेज भी कह सकते हैं, और ये जो भाग है क्या है, रिपोर्टिंग भाग, आपको याद रखना है, क्या है, रिपोर्टिंग भाग, REPORTING, क्या है, रिपोर्टिंग भाग है, ठीक है। और ये जो वाला जो फ्रेज क्या है, जो श्याम जो कुछ भी कहा था उसी का स्टेटमेंट है, ये एग्जैक्टली कॉपी करके वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच है। ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो फ्रेज आपको दिख रहा है, जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच, SPEECH, रिपोर्टेड स्पीच हम उसे कहेंगे, ये वाला जो फ्रेज है, ठीक है। यानी कि श्याम जो भी कहा वही चीज़ मैं आपको रिपोर्ट कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कहूँगा, ये वाला जो फ्रेज है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। किसका है, राम का स्पीच है, ये जो स्पीच क्या है, राम का है। राम जो भी कहा था एग्जैक्टली उसको कॉपी करके वहाँ लिखा गया है और मैं आपको रिपोर्ट कर ही रहा हूँ ऐसे रिपोर्टर, तो मैं क्या कहूँगा, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और ये जो भाव है श्याम से जो वहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग मार्क, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। और डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट होता है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से होता है, ठीक है। क्या होगा, रिपोर्टिंग फ्रेज होगा, कॉमा होगा, इन्वर्टेड कॉमा का शुरुआत होगा, तो स्पीकर का जो एग्जैक्ट वर्ड्स होगा उसका जो स्पीच है स्पीकर का एग्जैक्टली वहाँ पर लिखेंगे, फुल स्टॉप रहेगा, और लास्ट इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा। ये है आपका स्ट्रक्चर है, उनको याद रखो। यानी कि ये हो गया क्या है, आपका एक डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, आप जो कुछ भी कहा उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर मैं क्या करता हूँ आपको बताने की प्रयास करूँगा तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, या फिर इनडायरेक्ट नरेशन भी हम कहेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने,
राम जो कुछ भी कहा उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है, देखिए उस सेंटेंस को मैं इनडायरेक्ट स्पीच में लिखता हूँ, ठीक है, और पूरी प्रोसेस जो होगा किसी तरह से किया जाता है, इवन जस्ट एक एग्जाम्पल है, बट कैसे आप करेंगे, कौन कौन से चेंजेस होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा, बस और वीडियो कॉल करेंगे। ठीक है, देखिए उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपली ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्या कहलाएगा, श्याम से, ठीक है, श्याम से दैट, श्याम से ही हैड गॉन टू पूरी यस्टरडे, ही हैड गॉन टू पूरी यस्टरडे तो नहीं लिखेंगे द प्रीवियस डे, ही हैड गॉन टू पूरी द प्रीवियस डे, पी आर ई वी आई ओ यू एस प्रीवियस डे, ठीक है, श्याम सेड दैट ही हैड गॉन टू पूरी द प्रीवियस डे, ठीक है, वहाँ पर कोई कमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट डायरेक्टली एक सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप लिखा गया है, ठीक है, सेंटेंस आपको दिख रहा है कि क्या होगा, डायरेक्ट सॉरी है इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, क्या क्या बदलाव किया गया, देखिए वहाँ पर इन्वर्टेड कमा था ये सारी चीज़ों को हटाया गया, ठीक है, तो उस इन्वर्टेड कमा के बदले हम डेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे कोई डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पहला चीज़ जो होता है रिपोर्टिंग वहाँ का चेंजेस होता है, जहाँ पर क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा सिंपली, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग पेज में, तो एज इट इज उसको लिखा जाएगा, वही मैं आपको बाद में बताऊँगा जैसे कि क्या क्या तो चेंजेस के बारे में बात करेंगे, तो सिंपली मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की प्रयास कर ही रहा हूँ कि डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, बेसिकली तो ये जो इंपॉर्टेंट कमा था उसको हटा गया है, तो इसलिए हम क्या प्रयोग किए हैं, डेट का प्रयोग किया गया है, देखिए वहाँ पर क्या था प्रोनाउन आई था उसके बदले प्रोनाउन ही का प्रयोग हुआ है, उसके बाद देखिए आई वेंट टू पूरी कौन सा है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ पर जो सेंटेंस किया है ही हैड गॉन टू पूरी यानी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में चेंजेस हुआ है और कि किस में कन्वर्ट हो गया है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद देखिए यस्टरडे था उसके बदले हमने क्या लिखा तो प्रीवियस डे, यस्टरडे क्या हम कह सकते हैं उसको एक प्रकार की जैसे कि टाइम होगा तो उसमें चेंजेस हुआ है, यानी कि अगर हम बात करें तो कौन कौन से चेंजेस का तो चेंजेस होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपली कुछ चार से पाँच चीज़ों का चेंजेस होता है, और वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जो हमारा रिपोर्टिंग भाग होता है रिपोर्टिंग भाग का चेंजेस होगा, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा का चेंजेस होगा, तीसरा प्रोनाउन का चेंजेस होगा, चौथा जैसे कि हमारा हो गया टेंस का चेंजेस होगा, और नंबर फाइव में आ जाएगा एडवर्बियल ऑफ टाइम हो प्लेस हो या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव हो, ये सारे चीज़ों का क्या होगा चेंजेस होगा, ठीक है, तो चलिए वन बाय वन समझते हैं जब हम क्या करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं कौन कौन सी चीज़ों का चेंजेस होता है, पहले कोई चीज़ अगर आप समझ लें अच्छी तरह से तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, सेंटेंस कैसा भी हो आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, चलिए तो पहला चेंजेस क्या आएगा आपका रिपोर्टिंग भाव का चेंजेस आएगा, क्या रिपोर्टिंग भाव, जस्ट अ मिनट इसको मार्कर का सेट करते हैं, ठीक है, तो पहला चेंजेस क्या होगा रिपोर्टिंग भाव का चेंजेस होगा, रिपोर्टिंग भाव आर ई पी ओ आर टी आई एन जी, रिपोर्टिंग भाग का चेंजेस पहला देखेंगे, ठीक है, तो बेसिकली जो हम क्या बेसिकली पांच प्रकार के जो सेंटेंसेस होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज हम क्या करेंगे डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है उसी का चेंजेस के बारे में सीखेंगे, क्या डिक्लेरेटिव सेंटेंस डी सी एल ए आर ए टी आई डी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर आप उसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं एस एस सी आर टी आई डी, क्या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या तो असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसी सेंस में देखेंगे पहला रिपोर्टिंग वहाँ पर किस तरह से चेंजेस होता है, ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग भाग होता है दो रिपोर्टिंग भाग होता है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या यूज करेंगे से, या फिर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो से छोड़ जाएंगे, ठीक है, से का यूज करेंगे या तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो से छोड़, और जो पास्ट में अगर है रिपोर्टिंग भाग ये सेड होगा, ठीक है,
या का जो रिपोर्टिंग भाव जो होता है सिंपली प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या होगा से होगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो हम एस यूज करेंगे सेज हो जाएगा। और पास्ट टेंस में क्या होता है सेड होता है। अगर आपके रिपोर्टिंग फेज में क्या होगा पर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, रिपोर्टिंग भाव में अगर किया होगा स्टेज में अगर किया होगा ऑब्जेक्ट होगा ये क्या चेंजेस हो जाएगा, ठीक है, किसमें चेंजेस होगा देखिए से क्या हो जाएगा तो प्रेजेंट वाला फॉर्म टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो एस हम टेंस का यूज करेंगे प्रेजेंट में, ठीक है, से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा टेंस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर सेड होगा तो सेड किसमें बदल जाएगा टोल्ड टोल्ड में बदल जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट का हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा कहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, से टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेड जो है ये क्या हो जाएगा टोल्ड में बदल जाएगा, जहाँ पर क्या होगा अगर आपकी रिपोर्टिंग फेज में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो, ठीक है। अब देखिए अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो ये जो हमारा से हो गया या फिर सेड वाला जो स्ट्रक्चर अगर उसमें क्या नहीं होगा रिपोर्टिंग भाव में रिपोर्टिंग फ्रेज में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो जैसा ही है ऐसा ही हम रिटर्न करेंगे, यानी कि सिर्फ से ही होगा और सेड है तो सेड ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक सेकंड देखिए राम से राम से आई एम ए बॉय, ठीक है, राम क्या कहा आई एम ए बॉय, ठीक है, क्या हुआ कि मार्कर पर खत्म हो गया, राम से आई एम ए बॉय, राम क्या कहा मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा रिपोर्टिंग फेज कौन सा है ये वाला हमारा रिपोर्टिंग फेज कौन सा, ये हमारा रिपोर्टिंग फेज है और वहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट है और एक भाव है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि जो राम सेठ जो सेठ जैसा ही ऐसा ही रह जाएगा, बाकी चेंजेस होगा प्रोनाउन और टेंस में चेंजेस होगा, ठीक है। देखिए हम आज ये वाला जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कौन सा रिपोर्टिंग भाव मतलब ये वाला जो पहला पार्ट है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से चेंजेस होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए राम से वहाँ पर सब्जेक्ट है और एक भाव है वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें क्या बन जाएगा जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा राम सेड दैट, राम सेड दैट, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें कौन सा दैट का प्रयोग किया, राम सेड दैट ही वाज ए बॉय, ठीक है, राम सेड दैट ही वाज ए बॉय, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए सिर्फ जैसा ही था ऐसे ही मैंने वहाँ पर उसको एज इट इज कॉपी करके लिखा, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा रिपोर्टिंग भाव में होगा ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको से होगा तो से रहेगा, शेड होगा तो शेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा को उठाने के लिए हम डेट का प्रयोग करेंगे, जो भी प्रोनाउन होगा प्रोनाउन का चेंजेस होगा और टेंस का चेंजेस होगा, ठीक है। वहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा देखिए हम कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे करके मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको यूज करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सब देखिए राम से राम से टू श्याम, ठीक है, राम किसको कहा श्याम को कहा, क्या कहा आई विल गिव यू ए पेन, मैं तुम्हें एक पेन दूंगा, ठीक है, आई विल गिव यू ए पेन, राम सेठ टू श्याम, देखिए राम क्या है आपका सब्जेक्ट है, सेठ क्या है भाव है और श्याम क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वहाँ पर क्या है जो रिपोर्टिंग फेज में क्या है ऑब्जेक्ट है यानी कि उसका हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, जैसे कि हम कहा था आपको पहले कि से या फिर सेठ अगर होगा रिपोर्टिंग फेज में अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट हो क्या हो जाएगा पास्ट फॉर्म में अगर हो तो सेठ क्या हो जाएगा टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसको हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। देखिए किस तरह से इन्वर्टेड सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा राम से सॉरी सेट तो नहीं लिखेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो तो क्या हो जाएगा टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा राम टोल्ड सिया, ठीक है। देखिए
राम टोल सेम सेट था ऑब्जेक्ट है तो मैंने क्या किया टोल प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है टोल प्लस ऑब्जेक्ट हो गया राम टोल श्याम डेट राम टोल श्याम डेट ही वुड गिव ही वुड गिव हिम ही वुड गिव हिम ए पेन ठीक है ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बन जाएगा ठीक है राम टोल श्याम दैट ही वुड गिव हिम ए पेन जैसे कि आप जानते हैं विल क्या होता है वुड में कन्वर्ट हो जाता है उसका भी सेंटेंस हम सीखेंगे सिस्टमेटिकली सीखेंगे ठीक है पहले हम ये वाला जो पार्ट है रिपोर्टिंग भाग का जो उसी पार्ट को हम सीखे रहे कि उसमें किस तरह से सेंटेंस होता है तो ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा और सब ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे क्या यहाँ पे टोल में कन्वर्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग भाग और अगर ऑब्जेक्ट ना हो उससे यहाँ पे जो सेट होता है वो वैसे ही रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा ठीक है ये हो गया आपका रिपोर्टिंग भाग का चेंजेस अब देखेंगे जैसे कि हमने कहा कि जैसे कि इमर्टेड कॉमा क्या चेंजेस होता है पहला चेंजेस क्या हो गया रिपोर्टिंग भाग ये आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रयास करूँगा फिर आपको समझा दूँगा ठीक है चलिए दूसरा ये हो गया रिपोर्टिंग भाग है अब लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा का चेंजेस आई एन वी आर टी इन्वर्टेड कॉमा सी ओ एम एम ए एस इन्वर्टेड कॉमा ठीक है रिपोर्टिंग भाव इन्वर्टेड कॉमा का चेंजेस किस तरह से होता है जैसे कि मैंने आपको बताया एसेटिव सेंटेंस में क्या होता है इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम क्या करते हैं डेट का प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कॉमा को उठा देते हैं जैसे कि आपने एक सेंटेंस लिखा था उससे पहले ठीक है राम सेठ आई एम ए बॉय या फिर आई एम ए स्टूडेंट ठीक है जैसे कि देखिए वहाँ पर राम सेठ आई एम ए स्टूडेंट तो राम क्या कहा मैं एक छात्र हूँ ठीक है अगर उससे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं देखिए वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं रिपोर्टिंग भाव में कि जैसा ही है ऐसा ही रहेगा तो उससे हम लिखेंगे क्या हो जाएगा राम सेठ राम ने कहा क्या कहा देखिए ये जो कॉमा को उठाने के लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं डेट का प्रयोग करते हैं ठीक है राम सेठ डेट क्या कहा राम ने क्या कहा ही वाज ए स्टूडेंट वो क्या था एक स्टूडेंट राम सेठ डेट ही वाज ए स्टूडेंट ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बन गया ठीक है तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको उठाने के लिए हम कौन सा चीज़ का प्रयोग करते हैं डेट का एक प्रकार का हम कह सकते हैं कनेक्टर्स उसका प्रयोग करते हैं ठीक है हो गया ये आपका हो गया रिपोर्टिंग भाग का चेंजेस हो गया इन्वर्टेड कॉमा का चेंजेस हो गया ठीक है अभी देखेंगे प्रोनाउन का चेंजेस देखेंगे किस तरह से होता है किसका प्रोनाउन का चेंजेस कैसे होता है वही देखेंगे देखिए प्रोनाउन पी आर ओ एम ओ यू प्रोनाउन का चेंजेस कैसे होता है उस बारे में सीखेंगे ठीक है जैसे कि आप जानते हैं प्रोनाउन कितना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये तीनों चीज़ होता है कौन सा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तो सभी के बारे में सीखने की प्रयास करेंगे जानने की कोशिश करेंगे पहला चीज़ जो हो जाएगा देखिए फर्स्ट पर्सन का देखिए फर्स्ट पर्सन ठीक है कौन सा फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है कौन कौन सा होता है बेसिकली आई और वी होता है ठीक है या क्या होता है आई और ये दोनों हो जाता हमारे क्या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो जाता है ठीक है तो आई बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है ही या तो सी में कन्वर्ट हो जाता है क्या नाम है ना आई जो होता है ही या फिर सी में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जो वी जो होता है ये दे में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली क्या होता है वी जो होता है ये क्या हो जाता है दे में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है बट क्या होता है कभी कभार ये जो वी क्या है चेंजेस नहीं होता मैंने क्या ना नॉर्मल केस में क्या होता है वी जो होता है दे में कन्वर्ट हो जाता है बट कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पर वी जो प्रोनाउन होता है चेंजेस नहीं होता अभी देखिए कहाँ कहाँ वी का चेंजेस नहीं होता पहला चीज़ तो ये है जब हम क्या करते हैं जनरल सेंस में यूज़ होता है वी को हम क्या करते हैं जनरल सेंस में यूज़ करते हैं क्या कहना है जब हम क्या करते हैं जनरल सेंस में यूज करते हैं वी को उसका कोई चेंजेस नहीं होता ठीक है जब क्या होता है वी जनरल सेंस में यूज होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता फॉर एग्जाम्पल देखिए समझिए जैसे कि द सेंट
सेम मतलब जैसे कि आप क्या जानते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए साधु या फिर सन्यासी भी कहते, ठीक है, द सेम सेम, तो सेम क्या कहा, वी आर मोर्टल, वी आर मोर्टल, ठीक है, वी आर मोर्टल, तो सेम ने क्या कहा, वी आर मोर्टल, यानी कि हम सब मरणशील है, ठीक है, क्या कहा, मोर्टल का मतलब है मरणशील, यानी कि जो कोई भी जन्म हुआ है मतलब उसका मृत्यु भी क्या सुनिश्चित है, जैसे कि हम क्या कहते हैं, जिसका भी जन्म हुआ है उसका मृत्यु क्या है सुनिश्चित है, इसलिए तो सेम क्या है, साधु महाराज ने कहा वी आर मोर्टल, तो उसमें क्या देखिए जनरल सेंस है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, यानी इस जनरल ट्रूथ हम मान सकते हैं, यानी कि हम भी जन्म हुए हैं धरती पर, तो हमारा भी क्या है मत सुनिश्चित है, ठीक है, इसीलिए क्या है वहाँ पर भी यूज हुआ है जनरल सेंस में यूज हुआ है, तो इसीलिए क्या होगा उसका कोई चेंजेस नहीं होगा, ये है डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है। अगर हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे यह क्या बन जाएगा, देखिए द सेम, द सेंट सेड दैट, सेंट ने कहा कि द सेंट सेड दैट वी आर मोर्टल, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, टेंस का कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकार की जनरल ट्रूथ है, ठीक है, वी आर क्या मोर्टल, ठीक है, तो जहाँ पर वी कौन सा होगा जनरल सेंस में यूज हुआ होगा वहाँ पर वी प्रोनाउन का कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जहाँ पर क्या होता है बी, जहाँ पर ये जो मी, ठीक है, मी क्या होगा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट के साथ अगर इंक्लूड हो जाता है, यानी कि मी इंक्लूडेड आई एन सी एल यू डी मी इंक्लूडेड विथ द सब्जेक्ट, ठीक है, इंक्लूडेड विथ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अगर मी क्या हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट के साथ इंक्लूड हो जाता है, रिपोर्टेड आर ई पी ओ आर टी रिपोर्टेड स्पीच एस पी ई सी एस, ठीक है, मी क्या होता है अगर इंक्लूडेड विथ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मी क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के साथ अगर इंक्लूड हो जाता है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वी का कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा वी का कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल राम सेड टू मी, ठीक है, राम मुझे कहा या फिर मेरे को कहा, ठीक है, राम सेड टू मी, देखिए वहाँ पर राम मेरा कोई दोस्त है और मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए we will go to Puri tomorrow, PORROW, ठीक है, we will go to Puri tomorrow, हम क्या करेंगे टुमारो पूरी जाएंगे, क्या कहा किसने कहा, राम ने मेरे को कहा कि हाँ पूरी जाएगी, यानी कि मैं भी क्या हो गया कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है हुई है, तो मैं भी क्या हुआ वहाँ पर इंक्लूड हो गया, यानी कि मी मतलब मैं क्या हुआ उसी सब्जेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के साथ मैं भी इंक्लूडेड, ठीक है, राम से तुम्हें यानी कि हम दो ही पर्सन हैं, राम मुझे कह रहा है कि हम पूरी जाएंगे टुमारो पूरी जाएंगे, यानी कि राम और मैं दोनों पूरी जाएंगे, यानी कि वी के साथ मैं भी इंक्लूड हो गया, यानी कि मी इंक्लूड हो गया वहाँ पर है, यानी इसलिए क्या हो जाएगा वहाँ पर वी का कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि प्रोनाउन वी का चेंजेस नहीं होगा, बाकी जो चेंजेस रहता है वही होगा, ठीक है, क्या होगा देखिए वहाँ पर ऑब्जेक्ट है रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे सेड क्या हो जाएगा वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या हो जाएगा राम टोल्ड मी टी ओ एल डी, ठीक है, क्या बन जाएगा राम टोल्ड मी दैट, राम मुझे कहा कि राम टोल्ड मी दैट वी उड, क्या हो जाता है उड में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम मॉडल का चेंजेस सीखेंगे या फिर टेंस का चेंजेस में भी ये सीखेंगे, ठीक है, राम टोल्ड मी दैट वी उड go to, we would go to Puri
द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे टुमारो के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है। राम सेड टू मी वी विल गो टू पुरी टुमारो, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, जब हम उसको क्या करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। राम टोल्ड मी दैट वी वुड गो टू पुरी द नेक्स्ट डे, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ है, मी जो किसके साथ इंक्लूड हुआ है, रिपोर्टिंग जो रिपोर्टर